माँ शीतला के सुंदर दरबार में गंगा मैया के स्वामी ये परमात्मा की अमृतमय गाथा सुने के ये भगवान की अमृतमय गाथा में डुबकी लगाए के अवसर प्रदान हो है। जब तक कृपा नहीं आए ना भगवान के तब तक नहीं आ सकते। आज देखो परमपिता परमात्मा जौने सुंदर अयोध्या नगर में कौशल्या मां सुंदर दर्शन देवा थे। ब्रह्मांड निष्काया निर्मित माया रोम रोम अपति वेद कहे मंगूर सो वासी या उपवासी सुनत धीर मति धीर रहे। वो समय भगवान चरण को स्थिर में कथे हे कृपा के निधान हे करुणा के सागर हे सब के कल्याण करने वाले प्रभु तुर महिमा जो है तो माया जो है बड़ी अपार है। वेद पुराण मन जो है गा गा करके थक गए कि तो माया के पार नहीं पा सकी। नेति नेति के बखान करते लेकिन परमात्मा के माया जन बड़े ही प्रबल है। काबर तो माया जन बड़े ही अनेक ब्राह्मण समूह के अनेक भरे हुए हैं। वो संध्या कौशल्या में यह जो है प्रभु रूप ला देख करके बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। हे परमात्मा हे अनंत मैं तो पूरा नहीं देख सका हूँ काबर मैं तो बाने बाल लेना देखना चाहता हूँ ते मोर बाल उठा करके मोर सुंदर बाल लेना देखा। ये भैया जो ने भैया अपन पूर्व जन्म में कठोर तपस्या करी से लेकिन तो तुलसीदास गोस्वामी के थे कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतर हो पा रहा। सत्युग में त्रेता में द्वापर में हजारों साल की तपस्या करती ना तब परमात्मा दर्शन दे लेकिन कलयुग में नाम के आधार से ढाई अक्षर नाम लेकर के जीव के इतार हो गई कई जन स्वस्थ है ये शरीर सुधर चल रहे हैं लेकिन ये मृत्यु लोग है। ये मृत्यु लोग में ये शरीर जो नहीं यहाँ बने हैं ऊपर ले बनके नहीं आए ना पताल बन के नहीं आए ये शरीर में छोटे लाभ नहीं आए। भगवान भी यहाँ प्रकट होते ना तो वो शरीर में छोड़ के जाते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण पर शरीर में छोड़ के ये मृत्यु लोग में कोई भी प्राणी आई ये शरीर में छोड़ के जा सकते हैं लेकिन ये जीव जो है हमारे ईश्वर अंश जीव विनाशी ये जीव जो है परमात्मा का अंश जगह सकी ये कभी विनाश नहीं हो लेकिन ये संसार में नाम ही अमर है जीव अमर है। परमात्मा के नाम रसून करके परमात्मा के अमृत में गाथा रसून करके हमारे अपन जीवन की कृतार्थ कर सकते हैं। आज देखो परमात्मा की कृपा हो से जाम गाँव ने बेटी गाँव में सुंदर हम पहुंचे हैं और कृपा नहीं रहती तो हम नहीं पहुंच सकते। आज देखो कौशल्या में ये जो है सुंदर परमपिता परमात्मा के सुंदर दर्शन प्राप्त करा थे दोनों हम हाथ जोड़ करके विनती करते थे हे कृपा के विधान तो चरित्र जो है बहुत ही महान है जो पूर्व जन्म में यहाँ जोर से वरदान मांग रहे हैं कि सेम और बालक पर क्या आज कह करके थोड़ी जिसे बालक चीज कह करके कह रहे हो हे परमात्मा प्याज और बालक पर क्या तुम और बाल लीला नहीं देखा काबर और बाल लीला देखे के इच्छा है। अच्छा भैया माता अपनी बोली सो मति डोली सज हूँ नाथ जह रूपा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। कौशल्या मैया जो है दोनों हाथ जोड़ के विनय करते प्रार्थना करते हे परमात्मा हे प्रभु हे दास हे ते अपने विराट रूप का छोड़ करके सुंदर से हमला बाल लीला देखा मैं बाल लीला ने देखना चाहता हूँ। ऐसे भैया कौशल्या मैया जो है परमपिता परमात्मा प्रभु राम से कहे कि हे स्वामी हे सुजान हे सुंदर बाल पा करके सुंदर से हमारा बाल लीला दिखा दे। ये माता के आवाज में सुन करके कृपा के निधान पर भूराम जो ने माल स्वरूप में आकर के रोने लग गए थे तो दोहा में कहते नीति मजे किया होता
रामचंद्र की जय हो। ये प्रभु के परमात्मा जो है ब्राह्मण है गौ है देवता है भक्त जन है संत महात्मा है सबके खाती है पृथ्वी के बाहर रहने खाती निशाचर मला नाश कर खाती एक कारण से परमात्मा है संसार में उतार नहीं रहे उतार रहे थे। तो आज प्रभु परमात्मा जो है संतहिता ब्राह्मण है गौ है देवता है संत है महात्मा है भक्त जन है अपन शरीर अपन इच्छा के अनुसार अपन शरीर बना करके निजी इच्छा निर्मित करो अपन इच्छा के अनुसार अपन शरीर बना करके माया से परी भजनी के बजरंगी राम के कथा मा चले भजनी के बजरंगी राम के कथा मा चले
उसी प्रकार से आज अयोध्या नगर में
सुंदर बालक उत्पत्ति होकर करके सचिवन दासीमन जो ने हर्षित होकर के एती एती एक दूसरे ला बतावा थे आनंद मनावा थे उस समय दशरथ पुत्र सुनी दशरथ पुत्र जन्म सुनी कारा अमान ब्रह्मा नंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा उठा उठ करत मत धीरा सखी जब महाराज दशरथ राज्यसभा में बैठे थे वहां जाकर दौड़ते हुए जाते सखी है कैसे हे महाराज आज सुंदर तुलना में बालक के प्राप्ति होए जब महाराज दशरथ सुनते ना आज मोरा महल में अयोध्या नगर में आज सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुए है ऐसे कहानी सुनते तो पुत्र के प्राप्ति के कारण सुंदर बात न सुन करके ब्रह्मा आनंद में आज थे आनंद महा आनंद ब्रह्मा आनंद शरीर में रोम रोम जो है प्रकट हो जाते कभी कभी हमारे मन कर खुशी आते था हम बात करत करत आंखी में आंसू आ जाते रोम रोम खड़ा हो जाते तो महाराज दशरथ के आने 9000 साल तक कोई बालक नहीं थे और घर परमात्मा आज सुंदर विराजमान हो गए थोड़ा तो अर्थित होना ही होना है काबर जेकर घर में दीप जला नहीं हुआ है ना तो आज के दिन में कैसे करते डॉक्टर एक साल नहीं हुआ डॉक्टर कर ले वो होगा नहीं तो महीना करवा दी भी अच्छा जाते थे घरी वाला है ऐसे डॉक्टर के हुए 9000 वर्ष तक 9000 साल तक के महाराज दशरथ के अंदर में दीप जला के नाम नहीं वाली थी तौला की सलावत की सोई है चौथा पर आ गए चौथा पर आए बाद परमात्मा की कृपा हुई कि चलो आज भक्त के घर में अवतार लेकर के भक्त मन दर्शन करो निशाचर मन मारो पीछे के भाग रहा हूं हजारों कारण लेकर के प्रतिपित परमात्मा जो ने आज महाराज के सुंदर भवन में अवतार ले है महाराज दशरथ सुन करके ब्रह्मा आनंद में समा गए यहाँ तक उठना चाहे ना ये सिंहासन बैठा रहे वो उठ नहीं सके कैसे परमा आनंद में मां आनंद में समा गए अब अपन शरीर जो बड़े ही शिथिल हो गए अपन शरीर में संभालना चाहे लेकिन वो नहीं पाए हो जे कर नाम सुनत सुख होई अमोर का अवर प्रभु सोई जे कर नाम न सुन करके कल्याण होते जे कर नाम न सुन करके जीव के चिंतार्थ होते वो परमात्मा जो ने आज मोर अपने में सुंदर अवतार ले है ऐसे महाराज दशरथ जो ने आनंद मन मनाते तो आगे के प्रसंग संगीत की बात बताई तो वसीयत करते हैं बोले सियापति राम चंद्र की जय अवधपुरी के राज महल मां अवधपुरी के राज महल मां जन्मे चारो भैया एक जन्मे चारो भैया सब नाचे धमाधम ताता प्रिया था ताता
से उसने सुरता में हम मर गए। आओ एक भजन
राम आहि नायवध में राम आहि हर 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 हर
बहुत धन्यवाद किया आपका। जय सरस्वती मानस मंडली जाम का। आप भगवान राम के गाथा बता रहे थे, हम सब को बड़ी खुशी हुई आज ऐसे ही भगवान राम। आप मिलव राम दिवांगन आज को सुंदर भगवान के चरण कमल में सौ से दिवस के आप श्रद्धा स्मरण भेंट कर रहे। भगवान आप लोग जैसे आपके नाम है वैसे आप शीतला माता के मंदिर के पास में बिल्कुल मतलब राम रूपी जो यहाँ पर सीता राम बैठे होकर निश्चित रूप से आप लोग दर्शन हो गए। भगवान आप लोग मिल गए और उनका नाम मिलो है आपके घर में जय जयकार हो। श्याम भाई विश्वकर्मा आपकी ओर से भी सुंदर भी सुनता जगह का आप श्रद्धा स्मरण भेंट करें। बोले राजा रामचंद्र जी की जय। आगामी मंडली बात मात्र मानस मंडली जी प्रेरित ठीक रही माता तारी जाते हो ग्राम सखा जाते हो ग्राम सखा।